दिल्ली से एक बंदा आया हमसे मिलने के लिए, उनसे मिलवाते आपको। वो देखो दूर से दिख रहा होगा आपको, मनोज भाई घोड़े पे, बाकी सब भाई भाई, भाई है। और भाई जी भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है भाई जी, ओके भाई जी, बहुत अच्छा लगा मिलके भाई, सेम है, मैं वही बोलता हूँ हमेशा, मनोज भाई घोड़े पे, बाकी सब भाई है, ओके सर, ओके थैंक यू, चलो भाई आराम से जाना, ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस आगे, वाह वाह, टेंशन नहीं कोई भाई, हम खुद ब्लैक है, नहीं आप नहीं, आप ये बात नहीं बोल सकते, बहुत दुखी होके गए पता है, हाँ यार वो स्नोफॉल नहीं, स्नोफॉल नहीं, रास्ते में जाके जब मैंने वीडियो कॉल करी ना उसको, परेशान कर रहा, दिमाग तो खराब कर मत, दिमाग फोन कट कर दे, लास्ट में मेरा फोन उठाना बंद कर, ये देखो स्नोफॉल और तगड़ी हुई ना, वो यही करने तो आया था बेचारा, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, चलो ठीक है, ओके ओके बाय। तो भाई लो सारा सामान वामान सब पैक हो गया है, सेट, ये भी सेट, मौसम बिल्कुल खुल चुका है, देख रहे हो, और सब भपका मार रहा है धूप की वजह से। तो भाई फिलहाल अभी जा रहा हूँ पार्किंग से गाड़ी को लेने के लिए, पर लेने की जब जाऊँ तो पूरा ब्लैक आइस पर चलना पड़ रहा हूँ मैं तो। भाई रात तो हुई थी स्नोफॉल अच्छी, पर सुबह उतनी मेल्ट हो गई, वरना रात देखो कितनी स्नोफॉल हुई थी, रात अच्छी स्नोफॉल थी रात में, देखिए कितनी मिट्टी जमी रखी, देखिए क्या ही कहें, इसका तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, अंदर से तो चलो फिर भी ठीक है, करना नहीं है, कार्ड तो है नहीं मेरा इसमें, इसमें नंबर नहीं है, नंबर नहीं है इसमें भी यार, नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है, नीरज नाम है सर, नीरज नाम है, नीरज, नारकंडा में किसी को भी स्नो एक्टिविटीज करनी है तो नीरज से मिलो भाई, ठीक है सर, और ये कहाँ पे है, कौन सी जगह बता दो, ये नारकंडा धोमड़ी स्कीइंग स्लोप पे सर, ठीक है, नीरज नाम है ना, ठीक है, नीरज से मिलिए भाई, ठीक है भाई जी, ओके सर, ओके धन्यवाद भाई, ये सब तो आपने खाए नहीं पहाड़ी डिश, यहाँ के पहाड़ी डिश कोई बात ना, काफी फिर खा लेंगे, हम तो आते रहते, तुम चाहते हो कि हम एक बार ही आए दोबारा ना आए, अरे सर आप बार बार आओ, बहुत अच्छा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा हमारे को, हमें खुद को तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं फिर लास्ट में गाना गा रहा था एक बार तो अच्छा सी लग जाता उधर मेरे इन दो गाड़ी का तो मैंने बड़ा ध्यान रखा था, हाँ भाई भाई ये बात तो है, मेरी और विकास भाई की गाड़ी का मतलब बिल्कुल ऐसा था कि हाँ भाई, हाँ जी मैंने कह दी तेवा कहता हूँ देखो कुछ भी करो गाड़ी को बिल्कुल छाती से छाती लगा कर रखना, दिल में बिठा के, बस दिल में, अब करोड़ों का मालिक आपने मेरे को बना के रखा था, आप हो टेंशन मतलब आप हो। तो भाई फिलहाल निकल लिए हैं हम यहाँ से, टाइम हो चुका है कितना भाई, 12:37, ठीक है, एंड यहाँ से घर का भाई यहाँ से लग रहे 10 घंटे पूरे और 450 किलोमीटर, अच्छी थी ट्रिप लद्दाख वाली से तो लाख गुना अच्छी थी, क्योंकि इसमें हम खुद ड्राइवर के आए थे, तो स्नोफॉल दिखी नहीं दिखी, देखो यार हमने ना अपनी ओर से पूरा किया, जहाँ स्नोफॉल दिखाई गई जिस टाइम पे दिखाई गई हम वहाँ पहुंचे, बट कहते कि ऊपर वाले के हाथ में था, ये हमारे हाथ में नहीं था, बट जितना हमसे हुआ हमने किया एंड आगे भी करते रहेंगे, बट कोशिश तो यही थी कि जो स्नोफॉल मैं आपको फॉर्च्यूनर में दिखा के गया था वो ही दिखा के जाऊं। गाड़ी के लिए तो उतनी ना है पर है ब्लैक आइस, मेरे हिसाब से ब्लैक आइस पूरा लाल है, अब ये शायद ब्लैक आइस लोएगा। एक चीज मैं बताना भूल गया, पीछे ना बहुत से ना जैसे कपल्स होते हैं उन्होंने क्या होता है कपड़े स्नो वाले कपड़े पहने हुए थे, मतलब जो सुने होते पूरे स्नो वाले बिल्कुल क्लियर, और वो ऊंचे ऊंचे बूट पहने हुए थे कि भाई भाई बहुत स्नो में जाना है, तुझे पता ही है कि जैसे मतलब लोकल्स होते हैं अरे सर आगे जाओगे आप बहुत स्नो मिलेगी, और उस पता क्या होता है एक ढिपने होता है कि जैसे वो डिपो होता है थोड़ी सी बर्फ पड़ी है उसमें जाके खड़ा कर देते हैं, अब जो कपड़े होते हैं ना भाई साहब मैंने जिंदगी में नहीं पहना था।
तो अपने भाई मिले थे चंडीगढ़ से, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे? बस बढ़िया, इनका ये फायदा है कि गेड़ी मारने के लिए भी शिमला पहुंच जाते हैं है ना? सही बात है। दो ही मिनट लगी ना, कभी उठाई गाड़ी और सीधा स्नोफॉल में है ना, दो घंटे तीन घंटे में स्नोफॉल देख के अपने घर को वापस। क्या हाल है भाई? क्या हाल है भैया? बस बढ़िया, बहुत दिन बाद भाई मिल लिया, लास्ट बार टाइम मिले थे बट थोड़ा सीन है, जल्दी था वो सिस्टम लगता है। अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले तो मिल लिया, अरे नहीं यार कैसे बात कर रहा हूं मैं भाई, तो बोल भाई। ऐसा सीन था कि भाई यश तो मैं काफी बेर चंडीगढ़ आ गया पर मिल नहीं पा रहा था, जब नंबर लेना था तब तो मिला था, बट उस टाइम दान ना वहाँ था बिल्कुल कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मैंने कि यार सब निकले आज, फिर भाई फोन आया कह रहा भाई मिलते मत, चलो आ जाओ यार। कॉफी नहीं मिलेगी आसपास? मिलेगी इधर, पता है मतलब वैसा नहीं है जैसे आपको, सो ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि अब हम पहाड़ों से उतर चुके हैं ना। इसको बम्बू भाई पूरी हाइट पर चला रहा, बैठ तो नहीं पूरी हाइट कर देगी। हमारे के हाथ दर्द हो गया भाई, खट गया था बड़ा एक देख रहा आशु अलीन कपूर है दूसरा, अगर छाती बाल दिखा अम्बाला निहां पे, यहाँ से हम लेंगे पेट्रोल और जग्गी से लेंगे कॉफी। लो भाई अभी आया इसमें 66 लीटर 6500 रुपए का, 6524 रुपए का, और रेंज दिखा रही गाड़ी 495 किलोमीटर। भाई हद है यार, मतलब हम तो यार पार्किंग ढूंढ रहे थे तो करते करते हमको तो बाहर निकाल दिया। कहाँ? नहीं पागल लगे गाड़ी रगड़ दे कोई, हम ऊपर में तोड़ने लगाऊंगा गाड़ी को, ढंग से लगाऊंगा लगाऊंगा नहीं तो। तो भाई मैंने तो कॉफी उठाई और मैं सीधा वापस पार्किंग की तरफ गाड़ी तरफ चल दिया क्योंकि गाड़ी भाई थोड़ा दूर खड़ी थी, तो मैं यार फिर भी जग्गी से कॉफी लिया सीधा। फिर मैंने कहा यार एक काम कर बम्बू, तुम्हें कुछ खाना तो तुम खा लो, अदरवाइज मैं तो कॉफी लेके निकल रहा हूँ। तो कह लगे हम KFC से कुछ ले लेते हैं, हाँ तुम KFC से ले, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ तब तक। तो भाई यहीं खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं रे? इन्होंने KFC से लिया, मैंने लिया कॉफ़ी। भाई लड़ाई हो रही है टोल पे, और एक्चुअली पता किस बात पे हो रही है? वो उसी बात पे लड़ रहा है कि वो 3 मिनट वाला सीन है जो, पर टोल वाले यार मानते ही नहीं है ना। और अब फैमिली के साथ होते हो तो भाई आप कोई नहीं लड़ता, बस बात वही है यार, क्योंकि एक्चुअली मेरे को कम से कम यहाँ पर 7-8 मिनट से ऊपर हो गए खड़े हुए। पूरे टोल पर देख लो जाम लग रहा है, टोल पर पूरे पीछे तक, इधर पीछे तक जाम लग रहा है टोल पर। यार जब रूल है तो रूल है भाई, इसमें गलती क्या है यार कि 3 मिनट से ज्यादा अगर आपका फास्टैग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो 3 मिनट से ज्यादा कोई भी पे नहीं करेगा भाई। भाई सारी लाइन जाम पड़ी है ना, इनको वो ये ना सारी लाइन जाम में देख ले, देखो कैसे ना सिर पे हाथ धर के खड़ा, देख बंदा बैठा है, देखो मैं तेरे को तुम्हें देखो, कोई मतलब नहीं, लाइन जाम पड़ी है, कुछ हो रहा है दिख नहीं रहा होगा आपको, सामने कंप्यूटर के पीछे बैठा है वो बंदा, देख कैसे सिर पे हाथ रख रखे इसने, देखो ये ऐश और आराम की जिंदगी। कौन सा टोल है? 1 मिनट रुकी भाई, ये भागन टोल प्लाजा है, और देख अरे खोल दे यार, देख देख कैसे घूम रहा है इस बंदे को, कोई मतलब नहीं है, कैसे खड़ा है ये, गुंडागर्दी चल रही है टोल वाले की, फुल गुंडागर्दी है भगवान कसम। भाई साहब ये इनके ड्रामे देख रहे हैं इनके, ये टोल वाले के सारे ड्रामे इनके, ये वो है दादागिरी है, दादागिरी चल रही है टोल पर, सरकार इनकी तरफ देख ही नहीं रही है भगवान कसम। इन टोलों पे तो हद से ज्यादा दादागिरी चल रही है आजकल, कम से कम मैं बना 15 मिनट खड़ा हूँ यहाँ पे, यहाँ तो मेरा दिमाग खराब हो गया। सरकार को करना चाहिए यार कम से कम, अगर भाई दबे ऐसे कोई झगड़ा होता टोल पे तो ठाक के उसके सस्पेंड कर दो ना लाइसेंस, खाली कर दो, खत्म कर दो भाई, ये रूल बनाओ ना, फिर रूल बनाओ तो अच्छे बनाओ। कल को भाई वो मारा पीटी कर देते हैं वो बाउंस भाई, वो क्या करे, हम तो लोकल बाउंसर थे, लोकल लोकल क्या करेगा इसमें भाई, जनता तो परेशान हो ही रही है ना। 300 मीटर से ज्यादा का जाम लगा पड़ा है, और भाई बैठे हाथ पाथ धरे बैठे आराम तो बैठ चिल कर रहे हैं, खोल दे भाई, जब तेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा तो उसमें दुनिया जनता की गलती थोड़ी ना है। कैश फड़न लग रही है, और इनका सबसे ज्यादा आजकल पता है टोल वाला का एक स्कैम और भी चलने लग गया आजकल,
कि तुम्हारा बोल देंगे पेटीएम ब्लैकलिस्ट है तो भाई तुम्हें तो डबल देने पड़ेंगे। ये भी चल गया इनके तरफ से। भाई फिलहाल टाइम हो चुका है 1 बज रही है और हम पहुंच चुके अपने अड्डे पे। एंड भाई ये सारा कबाड़ा जो हमने जितना भी हमने खाया पिया था वो सारा ये रहा सारा भाई वो वेस्ट। तो भाई इसलिए हम कहते हैं बाहर मत फेंका करो, अब डस्टबिन में डाल दिया करो। फिलहाल भाई थोड़ी हालत से डाउन हो रखी है, कॉफ़ी लिए मैंने यहाँ से एंड अब चलते हैं घर को। अच्छा भाई अब घर गए थे भाई अपने सब्सक्राइबर खरीदो फरीदाबाद से, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया भाई जी। चलो भाई ओके गुड नाइट। ओके बस ओके भाई गुड नाइट। भाई ट्रिप अच्छी थी, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आपको स्नोफॉल दिखाने की, बट जितनी हुई उतनी मैंने आपको दिखाई। अब जिस ज़्यादा होती तो मैं ज़्यादा दिखा देता, क्योंकि हमें जैसे जैसे पता चला हम वहाँ पहुँचे हमने देखा कि भाई स्नोफॉल एक पूरी वीक की, हमने इसी वजह से हमने गोवा का प्लान ड्रॉप किया था। क्या हाल भाई साहब? बढ़िया। गुड नाइट भाई। इसी वजह से गोवा का प्लान ड्रॉप किया था कि हमें स्नोफॉल दिखी कि पूरे वीक स्नोफॉल है। और मगर यार देखो गोवा तो हम फिर भी एक दो दिन अगर लेट भी हो जाएंगे या कहीं और जो भी ट्रिप कर रहे हैं लेट भी जाएंगे वो चल जाएगा, स्नोफॉल तो बहुत कम मिलती है देखने को। तो इस वजह से हमने मगर प्लान किया वहाँ पर। अब भाई वेदर फोरकास्ट दिखाता है, अनुमान होता है, कन्फर्म नहीं होता कि होगी ही, अनुमान था। हाँ ये है कि भाई जो फॉर्चुनर ने देखा वो शायद इसने नहीं देखा, मैंने वो दोबारा भी मैंने खुद ने नहीं देखा, बट ट्राई करते रहेंगे हम, पहाड़ों में जाते रहेंगे, आपको स्नोफॉल दिखाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा मैं कि भाई हाँ स्नोफॉल तुम्हें दिखानी है। इसी वजह से मैं भाग रहा हूँ कि स्नोफॉल तुम्हें दिखा के आऊँ भाई, और तुम्हें भी लगे कि हाँ जो भाई ने जो बोला वो करके दिखाया, बट मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है भाई, ऊपर वाले को तो मैं भी नहीं कह सकता कुछ भी और ना आप लोग कर सकते हो, क्योंकि वो तो कुदरत के हाथ में है। चलो भाई और बाकी ये ट्रिप कैसी लगी आपको बताना कमेंट करके, और कुछ नया देखना चाहते हो, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि अज्जू भाई आप एक जगह जाते हो, अब मुझे कमेंट करो कि तुम कहाँ देखना चाहते हो मुझे और इस कार को एक साथ, करके तुम बोल रहे हो कि अलग चीज़ दिखाओ ये दिखाओ, तो अब कमेंट सेक्शन भर दो कि भाई हमें ये चीज़ देखनी है, ठीक है? तो उसमें से मैं फिर देखूंगा जहां के सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, फिर वहां पे मैं प्लान करूंगा। मैं गोवा का भी ड्रॉप कर दूंगा, बट आपके कमेंट्स देखने मुझे कहां के आप बताओगे कहां मुझे जाना चाहिए, और कमेंट से पता लगता है कि आप लोग क्या चाहते हो और क्या देखना चाहते हो, तो वो चीज़ आप बताती आ रहा करो। तो हम पहुंच गए हैं घर। आ लिए इन दोनों 8 नंबर मेरे पे नंबर, इसको भी जल्दी करवा दी। सामान निकाल, लैपटॉप निकाल के लैपटॉप बैग ले, लैपटॉप बैग ले, जयकारा लगा देते हैं भाई। बोल शंकर भगवान की जय। और भाई आपको नजर आ रहा होगा गाड़ी का क्या हाल हुआ है, और पहली ट्रिप ऐसी थी जिसमें मैंने इसको वॉश नहीं कराया ना इसमें मैंने कपड़ा मारा कहीं भी, बस छोड़ के आज इसकी लाइट पे कपड़ा मारा है लाइट पे। अरे ये भाई हमारा काम पत्थर का हो चुका है जैसे कंप्लीट, अब इसकी घिसाई है। हाँ ठीक है, वैसे एक्चुअली क्या है कि अब इधर ना गाड़ी भी आराम से पार्क हो जाएंगी और अपना पूरा वो हो जाएगा, अंदर ही अंदर हाँ लग जाएगी ड्रिफ्ट, लग जाएगा ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी दिन में शायद आप नहीं देख पाओगे, अभी देख लो क्योंकि सुबह उठूंगा उस टाइम वॉश हो सकती है। ये देखो कितना फर्क है, देखो कितनी मिट्टी है गाड़ी के ऊपर, नाम तो भाई ने वहाँ लिख दिया था, नाम लिखा हुआ है एंड वाइट में इतना पता नहीं चल रहा होगा, ब्लैक के हिसाब से देख लो तुम कितना मिट्टी चढ़ रखी इस पर। एंड मैं इसको सुबह ना मना करूँ जो वॉश करना आता है कि भाई वॉश मत करना इसको, मैं वहीं वॉश करा के लाऊंगा। असली रंग रूप अब पता लगा है इसके डिफेंडर का कि क्या है इसका रंग रूप असली, बट लाइक लुकिंग वाइज अमेजिंग भाई, गंदी में क्या लग रही है गाड़ी, मैं तो बोलूँगा नया ही वॉश कराया इसको। और भाई कर देते इस ब्लॉग में हैंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना कहाँ जाना चाहिए कहाँ जाना चाहिए। और ऊपर 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 चलूंगा, बस 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 करे 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 करे, अरे अरे बस 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 बस, मार दिया करे, लग जाएगी बेटा लग जाएगी, मैं बैठ 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 मैं बैठ को मैं बैठ रहा हूँ, बस 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 होगा प्यार होगा भाई चल। ओ भाई इसका मन न लगे, अरे ग्रेट।